नमस्कार बच्चों, कक्षा के हिंदी प्रथम भाषा पाठ 10 बादल आए। इसमें से बच्चों हम लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ रीड करेंगे। अब आप पेज नंबर 78 और 79 को निकालिए। बच्चों अब आप पेज नंबर 78 निकालिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, थर्ड बिट, सही कारक चिन्ह से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको को, से, में, पर, ने, ये सब क्या है, कारक चिन्ह कहलाते हैं। पहला, उस समय धरती डैश वन थे। उस समय धरती पर कौन सा शब्द आना है, यहाँ पर कौन सा कारक आना है, पर, पर, पर। उस समय धरती पर वन थे। दूसरा, बादल आकाश डैश आते रहे और पानी बरसाते रहे। बादल आकाश में कौन सा लिखना है, यहाँ पर मे वाला लिखना है, मे आते रहे और पानी बरसाते रहे। तीसरा, बादल गुस्से डैश गरजे और लौट गए। बादल गुस्से से कौन सा कारक आना है, यहाँ पर से, बादल गुस्से से गरजे और लौट गए। फोर्थ देखिए बच्चों, बादलों डैश पेड़ों से बहुत प्रेम था। बादलों को कौन सा यहाँ पर आना है कारक, को, बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था। फिफ्थ वन, कोयल डैश बहुत उत्साह और मधुरता से गाया। कोयल ने बहुत उत्साह और मधुरता से गाया। नेक्स्ट फोर्थ बिट देखिए बच्चों, दिए गए वाक्यों में सही सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको दो सर्वनाम दिए गए हैं, उसमें जो सही है आपको ये डैश में लिखना है। तो पहला क्या है, वह और उसने डैश घर बनाना शुरू किया। तो इसमें कौन सा सही है, उसने, उसने घर बनाना शुरू किया। दूसरा, तुम, मैं, कोयल से कहा तुम गाओ, तुम गाओ। उसने, मैंने डैश घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा। किसने पुकारा, उसने, उसने घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा। नेक्स्ट, वह, वे डैश पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। तो इसमें कौन सा सर्वनाम आना है, वे पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। फिफ्थ बिट देखिए बच्चों, वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। मानव ने घर बनाना शुरू की, ये वाक्य गलत है, इसको सही रूप क्या है, मानव ने घर बनाना शुरू किया। नेक्स्ट पेज निकालिए बच्चों, देखिए, मनुष्य ने पेड़ काटे, ये गलत वाक्य है। सही वाक्य क्या है, मनुष्यों ने पेड़ काटा, काटा सही है। नेक्स्ट, सबने बादलों से प्रार्थना किया, ये गलत वाक्य है। सही वाक्य क्या है, सबने बादलों से प्रार्थना की। नेक्स्ट, मोर ने अपना पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। मोर ने अपना पंख फैलाकर नाचना शुरू किया, कर दिया नहीं लिखना है, शुरू किया। नेक्स्ट, मोर का आवाज बादलों तक पहुंचा, ये गलत है। सही क्या है, मोर की आवाज, आवाज बादलों तक पहुंची। बच्चों अब आप
पेज नंबर 78 और 79 को रीडर ने कंप्लीट करिए। धन्यवाद।